अभी मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि भाई हमारी जो आइडेंटिटी है, या हम जिसको बोलते कि हाँ मेरी आइडेंटिटी, मुझे लोग कैसा पहचानते हैं, मेरा हम, मैं, मेरी पर्सनैलिटी, ये है क्या? एक्चुअली जब हम पैदा हुए तो हम कुछ भी नहीं थे, जैसे एक मांसपेशियों का गोला था दिमाग। मतलब धीरे 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 जैसे ग्रोथ हो रही है वैसे वैसे आइडेंटिटी तैयार होती जाती है। बचपन में तो उसको कुछ मालूम नहीं रहता है कि मैं कौन हूँ, वो कौन है। फिर धीरे धीरे हम उसको सिखाते रहते हैं। तो ये जो हमारा है कि भाई आइडेंटिटी मतलब कौन है, कि आप, आपके लिए कौन है, आपको क्या समझते हैं। समझो, मैंने आपको पूछा कि आप जरा आपका खुद का वर्णन करो। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति अपने गुण के बारे में चर्चा करेगा कि मुझे, मैं डेडिकेटेड हूँ, मैं कंसिस्टेंट हूँ, मैं बहुत लगन से काम करता हूँ, मैं हार्ड वर्कर हूँ, या मुझे बहुत अच्छी सफलता मिलती है, या मैं बहुत प्यारा इंसान हूँ, या मैं, कोई बोलेगा मैं मैनिपुलेट करता हूँ लोगों को, मैनिपुलेट करके मैं यश मिलाता हूँ। ऐसा कोई ना कोई अपना कुछ ना कुछ वर्णन करता है, और वो वर्णन है उसके, उसमें वो जो गुण है वो गुण से उसको सक्सेस मिलता भी है। वो बार 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 उसका वापर करेगा, और बार 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 उसका वापर करके वो उसका फायदा भी उठाएगा और उसको सक्सेस भी मिलेगा। कोई बुरा है क्या वो? बिल्कुल नहीं है। ये जो आपके गुण हैं, ये जो आपकी आइडेंटिटी है, जो भी आपका पर्सोना है, जो भी आपकी पर्सनैलिटी है, जो भी आप अपने आप को समझते हैं कि मैं कौन हूँ, वो आप है, उसमें कोई दूमत नहीं है। उसके आपको फायदा भी हो रहा है, उसका भी कोई दूमत नहीं है। फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये होता है कि आप एक तरह की जब पर्सनैलिटी बन जाते हैं तो एक ही तरह की पर्सनैलिटी काम करेगी। समझो, एक आधा ये समझो है कि वो किसको ना नहीं बोल सकता, और बहुत प्यार से काम करने चालू करेगा, बहुत प्यार से काम लेता है, किसको ना नहीं बोलता है, बहुत प्यारा इंसान है। अब समझो उसका गुण है और उसको फायदा हो रहा है। अब क्या करेगा? अब जब उसको नहीं भी काम करना है, वो उसकी इच्छा भी नहीं है, मगर अभी उसका वो स्वभाव ऐसा हो चुका है कि किसको ना नहीं बोलना, तो फिर उसको मन के खिलाफ हाँ बोलना पड़ता है और काम करना पड़ता है। मतलब जो आपको लगता है कि गुण है, वही कुछ समय के बाद में या कुछ अदर सिचुएशन में वो दुर्गुण बन जाता है। समझो, एक आधा आदमी बहुत एनालिटिकल है, विश्लेषक है, विश्लेषण करने वाला है। अब ये आदमी बहुत अच्छा है, इसका ये गुण है, ये विश्लेषक जो है ये बहुत परफेक्ट काम करेगा, बारीकी चीज़ें देखेगा, सब एक 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 आइटम देख लेगा, बहुत अच्छा विश्लेषण करेगा, एनालिसिस करेगा, और उससे उसको सक्सेस भी मिलता है। ये लोग टॉप पोजीशन पे भी आपको मिलेंगे। अभी यही आदमी घर पे आता है और घर के लोगों के साथ में ऐसा व्यवहार करेगा तो लोग तो तंग आ जाएंगे, बोले यार ये बहुत झिलपे झाड़ता है, बहुत ही झिलपे झाड़ता है, बहुत बारीकी से देखता है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ वो चलता नहीं है। मतलब प्रॉब्लम क्या है अपने आइडेंटिटी का? तो आइडेंटिटी का क्या है कि आइडेंटिटी एक जगह आपको फायदा देगी, आपको लगता है कि इससे बहुत फायदा हो रहा है, उसी तरह का बिहेवियर दूसरी जगह आपको नुकसानदेह हो जाएगा और फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। परफेक्ट करने वाला आदमी जो एकदम परफेक्ट, एकदम अचूक होना, बिल्कुल ऑफिस में ठीक है, प्रोजेक्ट बनाने में ठीक है, सब ठीक है, मगर वो आदमी का किसी से पटेगा नहीं, क्योंकि परफेक्ट हर जगह वो देखेगा, साफ सुथरा देखेगा, चीज़ें वहीं की वहीं होना, चीज़ें एकदम अप टू डेट होना, ऐसा घर में करेंगे तो घर में झगड़े हो जाते हैं। तो अभी कहने का मतलब ये है कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। जैसा चाहे वैसा, पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिलाया वैसा, जहाँ आपको फ्लेक्सिबल रहना है वहाँ फ्लेक्सिबल है, जहाँ आपको रिजिड रहना है वहाँ रिजिड है, जहाँ आपको परफेक्ट रहना है वहाँ परफेक्ट है, जहाँ आपको थोड़ा सा चलता है इम्परफेक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना जल्द, वहाँ वो चला के लेना है। तो इस तरह से आप रहेंगे तो आपका सबसे बटेगा, आपको यश मिलेगा, अदरवाइज आपका यश एक लिमिट में रहेगा। आपको यश मिला है, ऐसा नहीं कि यश नहीं मिला है, आपके पास में गुण है, आपकी आइडेंटिटी है, आपका अहम है, मिला है आपको यश, मगर वो प्रॉब्लम करता है। तो हमको फ्लेक्सिबल रहना, ये मैसेज मेरे को आपको देने का है। बी फ्लेक्सिबल, जिस जगह जैसा चाहे उस जगह वैसा व्यवहार करना है, और उस जगह वैसा बर्ताव करेंगे तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केयकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।